ओम शांति। सो सभी भाई बहनों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत। भारत से बहुत बहुत याद प्यार आप सभी को। कितनी सुंदर बात है, नाम भी अनुभूति सेंटर है और आज का टॉपिक भी अनुभूतियों के लिए ही है, परमात्मा पालना की अनुभूति। भगवान कितनी सुंदर पालना हमको देते हैं, जिससे ना केवल हम सुंदर बनते हैं, पूरे विश्व को सुंदर बनाने के निमित्त बन जाते हैं। जो टाइटल्स भगवान के हैं वो टाइटल्स हमें मिल जाते हैं, जो कर्तव्य भगवान का है वो कर्तव्य हमारा बन जाता है, वो वरदाता है, भाग्य विधाता है और हमको भी वैसा ही बना देता है। तो हम ना केवल अपना भाग्य बनाते हैं लेकिन सारे विश्व की आत्माओं का भाग्य बनाने के निमित्त और इस तमो प्रधान दुनिया को बदल सत्युगी दुनिया लाने के निमित्त बन जाते हैं, भगवान के मददगार बनते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि भक्ति मार्ग में हम उसकी मदद लेते रहे, मांगते रहे, लेते भी नहीं रहे, लेना तो आता ही नहीं था, मांगते रहे, और अब भगवान आकर हमारी मदद लेते हैं। वास्तव में तो भगवान को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारा भाग्य बनाने के लिए हमको निमित्त बनाता है, इतनी सुंदर पालना देता है। आज दुनिया में भी लौकिक माता पिता भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी हर चीज अपने बच्चों को दें, और भगवान सौगात में हमारे लिए स्वर्ग की रजाई लेकर आता है। तो भगवान की पालना हमें कुछ अलग बनाती है, अलौकिक बनाती है ना, क्योंकि वो खुद भी अलौकिक और पारलौकिक माता पिता है, तो हमको भी ऐसी पालना देता है कि इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए भी हम जैसे इस लोक से परे के निवासी बन जाते हैं ना? जिसको बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन, रहते वहीं पर हैं लेकिन फिर भी हमारी स्थिति से हम कमल के समान डिटैच रहते हैं, ऊंचे रहते हैं। तो बड़ी सुंदर बात, मैं एक मुरली में पढ़ रही थी जो आपके साथ शेयर करूंगी, कि कई बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा हम योग तो लगाते हैं लेकिन आपके प्यार की अनुभूति नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि बाबा का प्यार तो बच्चों के लिए है और तो किसी के लिए है नहीं, लेकिन अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि जो विधि है वो नहीं फॉलो करते। तो बाबा का प्यारा बनने के लिए पहले न्यारा बनना पड़ेगा, इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे। तो न्यारे बनने की क्या विधि है, न्यारे का क्या मतलब है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे आज, कि विशेष रूप से इस ब्राह्मण जीवन में हमें न्यारा कैसे बनना है, इसकी बड़ी गहराइयां हैं, सूक्ष्मता है। कि ऐसा नहीं बाबा कहता कि घर गृहस्थ हमको छोड़ना है, बाबा ये नहीं कहता सन्यासी बन जाओ, भले सन्यास कराता है लेकिन फिजिकल रूप से ऐसे नहीं कहता कि घर बार छोड़ो, लेकिन घर परिवार में रहते हुए कैसे सन्यास करना है जिससे हम न्यारे भी रहें लेकिन सर्व के भी और बाप के भी प्यारे भी रहे। तो बाबा की जो पालना है, मैं जब अभी ये गीत ही सुन रहे थे, कितना सुंदर गीत चल रहा था, कि शब्दों में बताएं कैसे ना, तो शब्द तो बहुत कम है उसके लिए, लेकिन फिर भी अनुभवों के आधार से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। बाबा की पालना इस रूप से अलग है, जैसे अगर हम न्यारे शब्द को ही देखें, आज मैं ऐसे ही सुबह मंथन कर रही थी तो दो पॉइंट्स आए कि न्यारा क्या होता है। न्यारा मतलब अलग, डिफरेंट। तो बाबा हमें इस दुनिया में रहते हमें डिफरेंट बनाते हैं औरों से, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं अलौकिक, इस लोक से परे अलौकिक स्थिति में ना। तो वो अलौकिकता हमारे अंदर किस प्रकार की बाबा लाते हैं, तो डिफरेंट, हर चीज डिफरेंट है। अगर हम अपने चारों सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें तो सबसे पहले ज्ञान, बिल्कुल डिफरेंट ज्ञान है ना, जो हमने आज तक भक्ति मार्ग में ना सुना ना समझा, ये डिफरेंट ज्ञान है। और ये डिफरेंट ज्ञान हमको डिफरेंट विधियां बताता है, हमें डिफरेंट शस्त्र देता है, जिससे कि हमारा जो दुनिया में रहते हुए लोग रिएक्ट करते हैं लेकिन हम रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। इन शस्त्रों को यूज करना, हम जब चलाना सीखते हैं ज्ञान के पॉइंट्स को, तो हम रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। वो तो सिर्फ ऊपरी रूप से अपने आप को शांत करेंगे, आजकल बड़ी टेक्निक्स दुनिया वाले भी सिखाते हैं, चुप रहो, ऐसे हो जाओ, इस तरह रिस्पॉन्ड करो,
मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं, लेकिन बाबा हमें सही विधि बताते हैं कैसे अंतर्मुखता में जाकर, उसकी गुफा में जाकर ज्ञान के पॉइंट्स को इमर्ज करके खुद ज्ञान स्वरूप बनकर उस शस्त्र को यूज करो। तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, वो ब्यूटीफुल रिस्पॉन्ड होगा जो आपकी स्थिति को भी ठीक रखेगा और आपके संबंधों में भी ठीक। आप महसूसता कर पाएंगे कि आपने जो अपना बिहेवियर रहा, आपका स्वभाव रहा आपका किसी के साथ, वो बहुत अच्छा रहा। तो ज्ञान के शस्त्र जो बाबा हमें देते हैं बहुत डिफरेंट देते हैं, जिसके वजह से हमारा रिस्पॉन्ड डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद आती है, एक-एक पे दोबारा भी चर्चा करेंगे हम, कि ज्ञान हम समझते हैं कई बार कि ज्ञान तो हमें समझ में आ गया। बाबा भी कहते हैं ज्ञान तो एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन जो है वो नवीनता से भरा हुआ जीवन है। अब कहेंगे नवीनता क्या है, वही मुरली तो है, आत्मा परमात्मा ड्रामा के पॉइंट सीडी चक्र चलाना यही सब कुछ तो बाबा हमको सिखाता है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को क्लियर किया कि हर पॉइंट की गहराई में जाकर नए नए मोती चुपके लेकर आ ना। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति मेरा स्वधर्म है। अब इस शांति की अनुभूति करना ना, तो शांति की अनुभूति कितने तरीके से हो सकती है, कितने प्रकार की शांति है। शांति तो एक ही है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के तरीके जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बन के परम धाम में जाती हूँ, तो परम धाम की शांति की जो अनुभूति है डिफरेंट है ना। और अगर मैं साकार जगत में अशांत वातावरण में रहते हुए अपनी शांति की स्थिति, अपने स्वमान में स्थित रहकर कोई कर्म करती हूँ, उस शांति का अनुभव अलग है कि नहीं। हम सब अनुभवी बैठे हैं ना यहाँ पर, एक कितनी सिचुएशंस आती हैं, अशांति की सिचुएशंस आती है, हलचल की सिचुएशंस आती है, हमारे आसपास सब हलचल में होते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति से शांत रहते हैं तो इस शांति का अनुभव अलग होता है। और फिर उसके बाद हमारी सत्युगी दुनिया में बाबा कहते हैं सुख शांति की दुनिया होगी। तो जब उस दुनिया को हम अनुभव में लेकर आते हैं, वहां की शांति अलग होती है, वहां कुछ अशांत चीज होती ही नहीं है, वहां हर सुख ऐसे ऑटोमेटिकली जैसे हमें सेवा देने के लिए है, चाहे वो प्रकृति का सुख है ना, चाहे वो संबंधों का सुख है, हर बात का, चाहे वैभवों का सुख है, खान पान का सुख है, हर चीज में बड़ी जैसे शांति है, वहां की शांति अलग है, बड़ी स्टेबिलिटी है लाइफ में, राइट। ऐसे ही जैसे अनेक प्रकार की शांति होती है, शमशान पे जाते हैं वहां भी शांति होती है, वो अलग प्रकार की शांति होती है। तो जैसे एक ही गुण के डेप्थ में जाना, नई नई नवीनता लेकर आना उसके अंदर। अब ये कैसे मिलेगी, बाबा मुरली में वही वही पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन हर मुरली में जैसे बाबा उसके अंदर, अगर पहली बात तो ये हम सेम कभी नहीं होते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, हर पल के साथ अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वी आर चेंजिंग ना, फिजिकली वी आर चेंजिंग, इमोशनली वी आर चेंजिंग, स्पिरिचुअली वी आर चेंजिंग, कॉन्शियसनेस लेवल पे हमारे चेंज हो रहा है, मानते या नहीं मानते, क्योंकि हमारी चढ़ती कला है। इसलिए जो हम कल थे वो हम आज नहीं है, और अगर हम वही हैं तो हमें चेक करना है कि हमारी ठहरती कला इसका मतलब, और अगर ठहर गए हैं तो धीरे धीरे उतरती कला भी हो जाएगी। इसे चढ़ते रहना है, अपना चार्ट देखते रहना है कि कल से मैं बेटर हुई, कौन से गुण में मैंने और थोड़ा सा 2% और इंक्रीज किया, 5% और इंक्रीज किया, उसकी भी विधि के बारे में जो बाबा की बताई हुई बातें उनको कुछ देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि मैं हर दिन नई होती हूँ जब मैं मुरली सुनती हूँ, आई एम नॉट द सेम, अगर मैंने बाबा के महावाक्यों पे काम किया है तो ठीक है। तो मेरी जो बुद्धि का लेवल है वो बढ़ चुका है, आप खुद से देखिए। मतलब मैं तो जब मुरलियां पढ़ती हूँ, अभी जब से मैं ज्ञान में आई तब से तीसरा राउंड चल रहा है उन्हीं मुरलियों का, लेकिन मैं ऐसा अपने में समझती हूँ, जब मैंने पहली बार सुनी होगी पता नहीं क्या कितना समझ में आया होगा, तब भी लगता था मुझे समझ आ रहा है सब कुछ, दूसरी बार सुनी तब भी समझ आया, तीसरी बार सुन रही तो भी ऐसा लगता है जैसे बाबा आज के दिन मुझे आज के लिए डायरेक्शन दे रहा है। ये हम सबको अनुभव होता है या नहीं होता, है ना। जबकि हमारी सिचुएशंस चाहे चेंज हो गई है, और किसी भी अव्यक्त मुरली को आप उठा लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही जा रही है ये मुरली,
ना, क्योंकि बाबा ने जब वो मुरली कही, कब कब वो मुरली मेरे बच्चे सुनेंगे, उन उन बच्चों को इमर्ज करके बाबा ने मुरली कही। ज्ञान का सागर है ना, जादूगर है ना, वो सब जानता है कि ड्रामा में कौन सा बच्चा कब आएगा, कब सुनेगा। लेकिन हमारी खुद की सुनने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ज्ञान भी हर दिन नया है और हम बच्चे भी हर दिन, हमारी स्थिति नई है, तो उसको उस रूप से जब हम सुनते हैं मुरली को, तो हमें नया नए पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि हमारी रोज की परिस्थिति भी नई होती है। उसके हिसाब से तो नहीं कहेंगे कि उसके हिसाब से हमारी स्थिति होती है, लेकिन हमारे सामने जो सिचुएशंस होती हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए भी जब हम मुरली को सुनते हैं, तो हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। जब मैं नई नई ज्ञान में आई थी, अभी मुझे 7-8 महीने ही हुए थे मुरली सुनते हुए, तो मुझे मेरा प्रोफेशन भी तभी स्टार्ट हुआ था एज अ स्पीकर, साथ साथ ही बाबा स्पिरिचुअलिटी और बीइंग अ स्पीकर, ये मेरा साथ ही शुरू हुआ। तो उसकी एक अपनी जर्नी है कि बाबा से कैसे अनुभव मिला, बाबा से कैसे शक्ति मिली, मैं ये कहूंगी कि बाबा की कैसे मुझे जिसे कहना चाहिए फीलिंग आई कि बाबा मेरे अंदर प्रवेश करके कैसे मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरी बैकबोन बन रहे हैं, वो एक अपने अनुभव है। लेकिन अभी जो मैं आपको ज्ञान की पॉइंट का अनुभव बताना चाह रही हूँ कि जब हम नए नए होते हैं, हम देखते भी हैं जो नए नए बाबा के बच्चे बनते हैं, कभी आते हैं मुरली सुनने, कभी नहीं आते हैं, कभी कोई बहाना होता है, कभी कोई बहाना होता है। बाकी हमारा ऐसा नहीं था, हम शुरू से बहुत, जब से आना शुरू करे तो रेगुलर होते, और हमें मौका मिला बहुत जल्दी कोलंबो जाने का अपने लौकिक कार्य से। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत जल्दी सफलता मिल रही थी और ऐसे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी जो मैंने कभी मतलब एक तरीके से कहूँ तो कभी उन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं देखी थी कि आपको इतने हाई लेवल के लोगों के सामने बोलना है, इस टॉपिक पे बोलना है जो काम नहीं करे कभी, जैसे कहते हैं ना। लेकिन बाबा का ज्ञान था कि तुम कल कल की विजयी आत्मा हो, कल पहले भी तुमने किया है, तो इस नशे में रहकर बाबा मेरे साथ है, ओके कर दिया कि सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में बैठते हैं, अमृत वेला करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो कई बार, क्योंकि टाइम भी कम हुआ था लेकिन नशा बहुत था ज्ञान का। अच्छा, फिर वहां जब पता लगा कि आपको सुबह से शाम तक वर्कशॉप लेनी है, कितनी लंबी कभी नहीं ली थी, और ऐसे ऐसे लोग होंगे, इतने वीआईपी लोग होंगे, तो थोड़ा सा मन में डर आने लगा, थोड़ा सा मन में ये होने लगा मैं कर पाऊंगी। फिर अपने को बार बार स्वमान का इंजेक्शन देती, फिर लेकिन लगता बोलना तो है ना। तो ऐसे करते करते मेरा सारा रात जो है वो तैयारी में ही गई। मैं सोई नहीं सारी रात, क्योंकि सुबह 7 बजे निकलना था, और मैं वहां पर करती रही, मेहनत करती रही, ये पॉइंट्स पढ़ो, ये पॉइंट्स पढ़ो, इसको ऐसे करो। लेकिन सुबह हो गई, अच्छा सुबह हो गई, फिर अपना नाश्ता वगैरह बनाना करना वो फटाफट किया, क्योंकि शाम तक आना था। तो खैर, मैं फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुरली पढ़ लेते हैं। दीदी ने हमें सेंटर से, उस टाइम प्रिंटेड मुरली देते थे, व्हाट्सएप तो था नहीं, ये 2010 की बात है, तो व्हाट्सएप नहीं था, और ऐसे दीदी प्रिंटेड मुरली हमको दी थी। तो मेरे युगल ने कहा कि मुरली तो पढ़ ले, फिर चलने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी मेरे को ना कुछ नहीं सूझ रहा है, मुरली मैं शाम को पढ़ लूंगी, लेकिन अभी जो मुझे वहां बोलना है ना, मुझे लेट मी फोकस ऑन दैट। फिर उन्होंने एक बार थोड़ी देर का कुछ थोड़े से पॉइंट सुन लो, मैंने कहा बस आप पढ़ो आराम से मुरली। मैं मतलब थोड़ा सा मैं इरिटेशन में ही आ गई, मैंने कहा मुझे वहां मुरली नहीं सुनानी है, मुझे जो सुनाना है लेट मी वर्क ऑन इट। तो अच्छा, मेरे युगल ने मुरली पढ़नी शुरू करी अपने आप ही मन में। 5 मिनट बाद वो बड़े स्ट्रिक्टली मेरे सामने आए और बड़े गंभीर रूप से बोले, बंद करो इसको, सामने बैठो, मुरली सुनो। ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा बाबा ही मेरे आगे आकर कह रहे हैं। मैंने भी बंद कर दिया, टाइम भी और था नहीं ज्यादा, 5-10 मिनट ही रह गए थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है सुनाइए। तो उस मुरली में क्या था, जादू था, सच में बाबा ने ताकत भर दी। उस मुरली में था कि बच्चे क्या पहली बार कर रहे हो, कल कल किया है, फिर क्यों डरते हो, अपने स्वमान को जगाओ। और बाबा ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया उसके अंदर। बाबा कहते देखो जब सफर पे जाते हो तो सूटकेस पैक करते हो, सूटकेस में सब सामान भर के चारों कोनों को टाइट पैक करते हो, बैठ के भी उसको पैक करते हो कि कहीं कोने से कुछ निकल ना रहा हो। ऐसे ही क्या निश्चय के चारों कोने अच्छे से टाइट किए हैं,
फिर बाबा ने चारों बातें बताई जो हम ब्राह्मणों को पता ही है। उस टाइम मुझे इतना, क्योंकि उस दिन संडे था, अव्यक्त मुरली थी, तो अव्यक्त मुरलियां इतनी मैंने पढ़ी भी नहीं थी, तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे एम्पावर कर रहे हैं मुरली के थ्रू। और बाबा ने एक-एक बात कही, स्वयं पर निश्चय, कौन सी आत्मा हो, विजयी रतन आत्मा हो। फिर बाबा ने कहा कि किसकी हो तुम, बाप पर निश्चय, क्या भगवान तुम्हारे साथ है इसमें निश्चय नहीं है, ड्रामा पर निश्चय, और बाबा ने कहा परिवार पर निश्चय। तो जैसे जैसे बाबा की मुरली सुन रही थी, मुझे वो सब फोल्डर्स खुल रहे थे कि कैसे दीदी ने हमको विदाई देते हुए तिलक दिया, सफलता का वरदान दिया, है ना, कितना हमें प्यार से हमें ब्लेसिंग्स दी और कितना हम पर विश्वास करा। तो वो सारी चीजें जब सामने आ रही थी, तो ऐसे एक-एक शब्द मेरे अंदर शक्ति भरता जा रहा था। और एज अ रिजल्ट मुझे ऐसा लगा कि वो सारा बोझ जैसे बाबा ने सोख कर लिया मेरे से, और मैंने जस्ट ऐसी रिलैक्स हो गई। इतने में फोन आया कि आपको चलना है, और हम वहां से बंद करी किताबें, बिल्कुल निरसंकल, कोई संकल्प नहीं, किसी चीज का संकल्प नहीं, बड़ी शांति से आराम से गाड़ी में बैठी। आधा घंटा का सफर था, बाहर देखा और सिर्फ एक ही संकल्प, बाबा मेरे साथ है, एवरीथिंग इज वंडरफुल, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। मतलब मुझे लगता है शायद ये भी संकल्प नहीं थे, बट आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड। और वहां जाके जब माइक हाथ में लिया, तब तक मैंने कुछ नहीं सोचा था, हाउ विल आई स्टार्ट, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो विद इन अ मिनट जो शब्द निकलने लगे, वो मैंने कुछ भी प्लान नहीं किए थे। एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से बात कर रही थी, बाबा ये आप बोल रहे हो या मैं बोल रही हूँ, बाबा आप मेरे से क्या क्या करा रहे हो, आई एम फीलिंग सो वंडरफुल इनसाइड, आई एम फीलिंग सो पावरफुल, बाबा आप तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरी बैकबोन बन के मुझे पकड़ के बोल रहे हो, मुंह से कुछ और बोल रही हूँ, मन में बाबा से जैसे ये बातें कर रही हूँ। इतना सुंदर अनुभव था, जिसमें बाबा का ज्ञान भी दिया गया, हमने लास्ट में बाबा का ज्ञान भी दिया, मुस्लिम कम्युनिटी थी वहां पर, वो भी दिया, और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल वर्कशॉप रहा। तो उस दिन मुझे रात को जब मैं रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी, मैंने कहा अगर मैंने वो मुरली ना सुनी होती, मेरी ये स्थिति बन नहीं सकती थी, बाबा का जो साथ लेना था वो मैं ले नहीं सकती थी, इसलिए आज की मुरली में बाबा ने मुझे क्या देना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे माँ को पता होता है मेरे बच्चे को क्या देना है क्या खिलाना है, ऐसे मेरे बाप को पता है कि आज ड्रामा में मेरे लिए कौन सा सीन खुलना है और मेरे लिए कौन सा ज्ञान का भोजन बाबा ने तैयार किया है, उसके लिए मुझे आत्मा को रेडी रहना है, टालना नहीं है, शाम को सुन लेंगे, सोते टाइम पढ़ लेंगे, आज का दिन तो बहुत बिजी है। मतलब उस दिन से मैंने प्रण किया इस बात का कि नहीं, मुरली मिस नहीं करनी। तब तक मैं मिस तो नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा लाइटली ले लेती थी, क्या फर्क पड़ा शाम को पढ़ ली तो, नहीं इम्पोर्टेंस देनी है। और ये चीज मैंने एक दो बार और अनुभव करी कि कभी कभी ऐसा होता था, कोई बात आई, सुबह मुरली सुनी है, लेकिन कई बार पॉइंट ध्यान नहीं रहता, और मैं सोचती रहती हूँ मन में, अभी मैं रिवाइज करती हूँ मुरली, रिवाइज करती हूँ, सिचुएशन आ रही है, रिवाइज करती हूँ, और ऐसे ही चूचते रहते हैं हम। बाद में जब रात को करती हूँ, ओहो यही तो आज बाबा ने पॉइंट कहा था, ये अगर मैंने पहले सिर्फ एक पॉइंट पढ़ लिया होता तो मेरे को जो मैंने अपने इतनी बुद्धि चलाई, इतना स्ट्रगल किया, वो करना ही नहीं पड़ता, एकदम से फुल स्टॉप लगता। तो इसलिए डेली की मुरली बड़ी नवीनता से सुनना, मेरे लिए बाबा आया है सिर्फ, बाबा को पता है आज मेरी लाइफ की किताब में कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन दे रहा है। तो मुरली से कोई भी एक या दो पॉइंट और खास वरदान, उसको ले लीजिए, ठीक है, वरदान तो लेना ही है, या और कुछ एक या दो पॉइंट, वैसे तो पूरी मुरली ध्यान से सुने, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे ले ले, जिसमें आज सुबह मैं एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने कहा संगम युग का विशेष वरदान है अमर भव, अमर भव। तो मैं इस पे मनन कर रही थी कि अमर भव, वो ठीक है सत्युग में तो हम अमरता को पाते हैं, क्योंकि हम वहां मरते नहीं है, शरीर छोड़ते हैं, शरीर लेते हैं, लेकिन अभी संगम पर अमर भव का मतलब क्या है। तो बाबा ने भी मुरली में स्पष्ट किया कि बाबा से जो प्राप्तियां हैं आपको मिली हैं, वो अविनाशी प्राप्तियां हैं, ऐसा नहीं कि खुशी अभी बड़ी खुशी फिर डाउन हो गई, तो वो अमरता तो नहीं हुई ना, खुशी की कम हो गई ना, तो सदा खुशी सदा शांति, वो निरंतर कंटिन्यूटी, वो है अमर भव का मतलब। तो मैंने कहा इसके लिए करना क्या है, तो जैसे एक ही पॉइंट ले लिया कोई भी मुरली का,
उस पॉइंट का आज मुझे स्वरूप बनना है, चाहे वो वरदान का बनना है या आज बाबा ने जैसे मान लीजिए कह दिया कि बाबा आपको सत्यु की परी बनाने आया है, ठीक है ना, तो मैं बस परी की कॉन्शियसनेस में रहूंगी, राइट, एक पॉइंट ले लिया बस, मैं उसके स्वरूप में रहूंगी, एंजल हूँ, आई एम एन एंजल, एंजल क्या करता है, एक दो मिनट उसके बारे में सोच ले, एंजल का रूप कैसा है, एंजल से कैसे लाइट निकलती है, एंजल का कर्तव्य क्या है, एंजल की स्थिति क्या है, बस आज सारा दिन मुझे ऐसे रहना, तो क्या होगा, वो सारा दिन अमर भव का वरदान आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि वो आपकी स्थिति कंटिन्यूटी में रही। कई बार हम बहुत सारे पॉइंट्स को सोचते रहते हैं, तो उस कारण से वो जो पॉइंट, एक ही पॉइंट अगर हम पकड़ लेना, उस पॉइंट में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि वास्तव में बाबा के हर एक पॉइंट में सारे सॉल्यूशंस हैं, हर एक पॉइंट में सारे सॉल्यूशंस हैं। तो कोई भी एक स्थिति अगर आप पकड़ लेंगे और उसमें अमरता प्राप्त कर लें, उस स्थिति को नीचे ना गिरने तक, बस, तो आप हर पेपर को पार कर लेंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकल में करके देखा, खास मैंने वरदान के ऊपर बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वरदान में ना बड़ी ब्यूटीफुल चीज होती है, एक वरदान होता है ना, जैसे अमर भव, त्रिनेत्री भव, त्रिकालदर्शी भव, जो भी बाबा वरदान देते हैं उसके साथ स्टार्टिंग में उसकी विधि होती है, तो केवल वरदान नहीं है, विधि से सिद्धि है, विधि अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे ठीक रूप से तो सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। तो उस चीज को जब हम अपने अंदर ले लेते हैं, ये दिस इज द प्रैक्टिकल वे हाउ टू गो अबाउट इट, एंड ये मेरा स्वरूप है जो मुझे बनना है, सुबह उसको अच्छे से फीड कर लिया और फिर बस अमर भाव। ये तो मैंने आज मुरली पढ़ी थी इसलिए मैं उससे कनेक्ट कर रही हूँ उसको, लेकिन बात बड़ी सुंदर लगी जब इसको मंथन किया कि अमरता का वरदान तो हम अभी पाते हैं ना, जो बाबा से पा लिया अब सदा के लिए वो अविनाशी बन जाए, वो कब बनेगा, जब उस पॉइंट के ऊपर हम इतना अभ्यास करेंगे, एटलीस्ट 24 घंटे तो करें, और 24 घंटे कम टाइम नहीं होता, सोते टाइम भी, जागते टाइम भी, बोलते टाइम भी, कर्म करते टाइम भी, मैं एक ही चीज को अगर पकड़ लिया तो आप देखना उससे आपकी जो अनुभूतियां हैं वो बड़ी ब्यूटीफुल, जिसको बाबा कहते हैं ना एक ही पॉइंट की गहराई में जाओ तो आप हर सिचुएशन में उसका एप्लीकेशन देख पाएंगे। लगता है ये काम करेगा, लगता है कि एक ही पॉइंट को हम ले लें और उसको हर टाइम पर उसको देखें कि यही यही मेरा स्वरूप है, ठीक है, तो ये है कि ज्ञान मुरली हमें मिस नहीं करते हैं, और कोशिश करके जो भी हमें मौके मिलते हैं, आई डोंट नो वहां पर सेंटर कितना दूर पड़ता है आपके घर से, या क्या वहां पे डेली क्लास होती है, कैसे होती है, तो कोशिश करके डेली हमें सेंटर जाना चाहिए। इसकी भी अपनी ही एक अनुभूति है, हमें कई बार पता नहीं लगता, हमें बहुत सारी प्राप्तियां जो हो रही होती हैं वो वहां की वाइब्रेशन से हो रही होती है, हमारी जो स्थिति होती है वो वहां जो दीदियों ने स्थिति बनाई हुई है, वो जो वहां की वाइब्रेशंस बनाई हुई है, उसके कारण हमारी बहुत सारी सहज पुरुषार्थ होता चला जाता है। मतलब मैं इस चीज में बहुत मानती हूँ कि हम सिर्फ अपने पुरुषार्थ से नहीं चलते, हम अब ब्राह्मण परिवार के योगदान से भी चलते हैं, योग के सहयोग से चलते हैं, हम अपने बड़ों की दृष्टि से भी चलते हैं, उनके वरदानों से भी चलते हैं, तो बहुत सारा, मतलब मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि हम दुआओं की किश्ती में ही उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, विमान में उड़ रहे हैं, अपना पुरुषार्थ इतना नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार का सहयोग मिलता है हर प्रकार का, बड़ों की जो आशीर्वाद हमको मिलती है, वहां की जो वाइब्रेशंस हम लेते हैं, उससे पुरुषार्थ सहज हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि वहां की वाइब्रेशंस में जब आधा घंटा 1 घंटा बिता के आते हैं तो यहाँ की ऑटोमेटिकली क्लींजिंग हो जाती है। आपने भी अनुभव किया होगा, कई बार हम बड़े उलझे हुए जाते हैं, बहुत कुछ घर पे ऐसा हुआ होता है, जॉब पर ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हुए अपनी उलझनों के साथ जाते हैं, और वहां जाते ही जैसे ना बिल्कुल ऐसे हो जाता है, क्लीन सा हो जाता है, अरे पहले ही आ जाते हैं यहाँ पर, या वहां पर कई बार मैंने तो ऐसा अनुभव किया, दीदी टॉपिक ही ऐसा ले रही होती है जैसे कि मेरी प्रॉब्लम वो जानती है और मेरे को ही जैसे एड्रेस करके बोल रही है, तो बाबा उनके थ्रू मुझे सोल्यूशन दे रहा है ना। तो ये है ज्ञान सब्जेक्ट की बात, कि बाबा कैसे हमें बड़ा न्यारा ज्ञान देता है, ज्ञान के पॉइंट्स देता है, हमें होमवर्क देता है। कल भी बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कहा ना कि होमवर्क क्या देता हूं मैं, मुरली, रोज की मुरली, उस पे मनन चिंतन करो, उसी पे सेवा करो, तो बुद्धि बिजी रहेगी तो माया जीत बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज्ञान की बात हुई, उसके साथ साथ योग की बात,
योग भी बड़ा न्यारा सिखाता है बाबा। और वैसे कहते हैं बाबा योग क्या है, याद ही तो करना है ना। तो योग में सिर्फ एक पॉइंट मैं बोलूंगी कि जो भी हम स्वमान लेते हैं या स्मृति होती है, वास्तव में स्मृति से स्थिति बनती है। स्मृति है ज्ञान और स्थिति है योग, जो मुझे समझ में आता है। स्मृति है ज्ञान, क्योंकि योग का आधार भी तो ज्ञान ही है ना। बिना ज्ञान को जाने तो हम योग नहीं कर सकते है ना। तो ज्ञान की स्मृति और उस स्मृति से जो हमारी स्थिति बनती है वो है हमारा योग, अपने आप से उस परमात्मा से, तो वो है हमारा योग। तो उसके लिए एक पॉइंट में जो कहूंगी कि जो भी हम ज्ञान का पॉइंट लेते हैं उसको ऐसा महसूस करे कि मैं वो हूं, उसको इमेजिन करने की बात नहीं है, मैं वो हूं, है ना। जैसे ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, मेरा हर बात में कल्याण है, ये है ज्ञान की पॉइंट स्मृति। अब इससे स्थिति ऐसी बन जाए, इतनी अनअफेक्टेड, इतनी प्यारी स्थिति बन जाए एकदम से, मेरे लिए तो हर चीज में कल्याण है। ऐसा लगे जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, चाहे देह के संबंधों में कुछ हो रहा है, इस देह में कुछ हो रहा है, हर बात में कल्याण ही कल्याण है, मैं उसको महसूस करूं ना। अब बाबा जैसे मैं परमात्मा की संतान हूं, भगवान मेरा साथी है, तो अब ये है ज्ञान की पॉइंट। लेकिन अनुभव उस चीज का, बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है, बाबा बाबा से चिट चैट। कल की बात है, मैं कहीं मार्केट में गई थी, तो मैं बाबा से, मेरी अंदर चलती रहती है कुछ ना कुछ बात, बाबा ये लेने जा रही हूँ, आज आपने आना भी है, मुझे जाके भोग भी बनाना है, तो टाइम से सारा काम हो जाए, बस मैं एक शॉप पे जाऊं, एक शॉप से ही काम हो जाए, ऐसे बातें करती जा रही थी। फिर ट्रैफिक कितना था, गाड़ी पार्किंग की कहीं जगह नहीं थी, मैंने बाबा से बात करनी शुरू की, मैं कहा मुझे तो बाबा शॉप के आगे ही जगह दिला देना, मेरा बेटा भी साथ में बैठा था, तो मैं ऐसे ही कभी कभी मुंह से भी बोल देती हूँ, तो मैंने कह दिया ऐसे ही, मैं कहा बाबा आप बताओ मैं कहाँ पर गाड़ी लगाऊं, यहाँ पर तो कहीं भी गाड़ी की जगह नहीं दिख रही है, बताओ बताओ कहाँ लगाऊं। कहते आपको बाबा बताएगा। इतने में उसी शॉप के दो दुकान छोड़ के मुझे गाड़ी की जगह मिल गई, मैंने गाड़ी ले दी, मैंने कहा थैंक यू बाबा। तो बेटा कहता है अच्छा ये बताओ मम्मी, ये क्या बाबा ने जगह खाली कराई थी आपके लिए, बाबा आगे आगे जाके जगह खाली करा रहे थे क्या। अब बात ऐसी तो नहीं है ना, वास्तव में ये बात तो नहीं है कि बाबा मेरे को पार्किंग कराएंगे गाड़ी की, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना अनुभूति, इट्स नॉट नेसेसरी मुझे हमेशा ऐसे गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन एक जैसे बाबा का साथ है तो दूर भी मिलती तो भी अच्छा अनुभव होता, पास मिल गई तो भी बाबा ने करा दिया। एक जैसे कोई बात ये नहीं है कि बाबा मेरी गाड़ी पार्क करा रहा है, लेकिन बाबा के साथ से जैसे वो एक लाइटनेस हर टाइम, उसी का शुक्रिया। एक छोटी सी बात कह रही हूँ, कोई बहुत ज्ञान की पॉइंट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अनुभूतियां जो होती हैं, जो हमें बाबा के क्लोज करती है कि बाबा हर पल मेरे साथ है, ये थोड़ी मुसीबत आई तो बाबा को याद किया, छोटी छोटी बात में हमारी अंदर जो चिट चैट, जैसे हम देहधारियों से करते हैं ऐसी चिट चैट हम बाबा से करते रहते, ये योग ही तो है ना। और जब हम बैठ के भी योग लगाते हैं तो जो भी हम स्वमान लेते हैं, मैं उस स्थिति में स्थित हूँ, मैं हूं ही ऐसी, इमेजिन नहीं करना है, मैं हूं ही ऐसे, ऐसा अनुभव, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बाबा इसलिए हमारे लिए वास्तव में देखा जाए तो योग बहुत सहज रूप से बताते हैं, इसलिए सहज राजयोग कहते हैं। लेकिन कई बार हम, क्योंकि बुद्धि के अंदर और बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो बातें हमें खींचती रहती हैं, जिसके कारण कहते हैं योग नहीं लग रहा, बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही है। इसलिए बाबा ने विधि बताई है, देह देह के संबंधों से न्यारे होकर, अपने को आत्मा समझकर, मैं जो हूं जैसा हूं जहां हूं उस रूप में मुझे याद करना। लेकिन पहला वाला स्टेप अगर हम नहीं करेंगे, उससे डिटैच नहीं होंगे, तो कनेक्ट कैसे होंगे, अटैच कैसे होंगे उधर, यहाँ की जो अटैचमेंट्स हैं वो हमें खींचती रहेंगी। तो कुछ समय के लिए हम, जैसे मैं ऐसे ही थोड़े दिन पहले इस पर मंथन कर रही थी, बाबा के साथ योग लगाते बार बार नीचे वाले खींचते, तो जब हम बाबा से मिलते हैं, मिलन मुलाकात करते, चाहे अमृत वेला करें या विशेष कभी योग में बैठते हैं, बात विशेष योग में बैठने की, बाकी तो चलते फिरते तो आपको औरों से भी बात करते हैं आप, लेकिन जब विशेष योग में बैठते हैं तब बुद्धि औरों से भी बातें करने लगती है। तो मैं ऐसी सोच रही थी कि मान लीजिए मुझे प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है, मुझे अपॉइंटमेंट मिली कि आपको 10 मिनट प्रेसिडेंट देंगे, अच्छा ठीक है, मैं उनके ऑफिस के बाहर बैठी हूँ वेटिंग फॉर माई टर्न, और इतने में मेरा टर्न आ जाता है और मेरे फोन कॉल्स आ रहे हैं,
मेरा बेटा पूछ रहा है वहां से, मम्मी खाने की चीज कहाँ पर रखी है, या कोई और मेरे इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल आ रहा है, मेरी कल ही कहीं प्रोग्राम है और उसके लिए कोई फिक्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, या मेरे से कोई कल नाराज हो गया था, अभी वो कह रहा है ओके लेट्स सॉल्व दिस, ये भी चीज आ रही है, कुछ भी आ रही है, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट, बट उस टाइम मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट, अगर ये 10 मिनट निकल गए तो अपॉइंटमेंट कैंसिल और उसी में उलझे रहो, और फिर हम क्या कहेंगे आपके वजह से मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो गई, वो तो हमेशा ही आपको खींचते रहेंगे, लेकिन अगर मुझे उस प्रेसिडेंट से मिलना, क्या आप कभी भी अपने फोन को पहली बात तो साइलेंट पे कर दोगे, अब बजेगा भी तो भी आप नहीं उठाओगे, जो भी है नो मैटर व्हाट, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या हम बाबा के साथ जब मीटिंग करते हैं अपने मन को इस तरह से शट करते हैं, नो वन इज अलाउड, अभी किसी के लिए टाइम नहीं है सोचने के लिए, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, पकड़ के बैठ जाऊंगे बस मैं बाबा को, बीच में कोई आ नहीं सकता, पहले ही सोमान में बैठ जानी, बीच में कोई आ नहीं सकता, मैं और बाबा, हम ऐसी मीटिंग प्लेस में जाएंगे जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं आ गई बाबा परम धाम में, दुनिया को छोड़ के मैं तेरे पास आ गई, बस अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी, अभी अभी 15 मिनट के लिए नहीं जाऊंगी, चाहे रूरिहान करें बाबा से, कुछ भी बात करें, लेकिन उसमें देदारियों की बात नहीं करना, जैसी बात करेंगे ना खींच लेंगे, कोई शिकायत नहीं करना, सिर्फ बाबा से क्या मिला है वही बात, ठीक है ना, तो नीचे नहीं आएंगे, अपने को पक्का करके जाएं, मैं सुप्रीम प्रेसिडेंट से मिलने जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है, छोटी छोटी, मतलब 45 मिनट्स का मत रखो आप, 10 मिनट का, 15 मिनट का, वो भी नहीं होता, अच्छा ठीक है 3 मिनट्स, मैं सिर्फ बाबा के पास हूँ, कोई भी किस कहीं भी बुद्धि जाती है, नो अपॉइंटमेंट, नो रिंग टोन, कट, फोन कट, ठीक है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए, मैंने एक बार बड़ा सुंदर अभ्यास शेयर किया, मुझे तो बहुत मजा आता है उसमें, कि मैं बिंदु रूप गई ऊपर और बाबा भी बिंदु रूप, और बाबा के जैसे मेरी भी किरणें, बाबा की भी किरणें, और ऐसे हो गई बस किरणें, मैं बाबा में समा गई, अब मैंने कस के पकड़ लिया बाबा को, मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे एक बच्चा माँ को ऐसे पकड़ लेता है ना, मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं आज बाबा आपको, मैं भी देखती हूँ, और मैं अपने आप से संकल्प किया मैं कितनी देर बाबा को पकड़ के रख सकती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं ना याद पारे की तरह फिसल जाती है, बाबा भी बिंदु है फिसल जाता है बुद्धि से, मैंने कहा नहीं बाबा आज छोड़ूंगी नहीं आपको, आज पकड़ के रखूंगी, अपनी किरणों से ना मैंने आपको चारों तरफ से ऐसे बांध लिया है, तो ऐसे बाबा से कई बार होता है बिंदु रूप में हम कैसे मिले बाबा से, और ऐसा अनुभव करें हम एक हो गए, बाबा की शक्ति मेरे साथ कंबाइंड हो गई है, और ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये कंबाइंड स्थिति जो है इस समय इतनी पावरफुल है कि सारे विश्व में इसकी लाइट जा रही है, सारी दुनिया के अंदर ये शक्तियों का प्रभाव जा रहा है, बस ज्वालामुखी और योग क्या है, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है यो तो बहुत पावरफुल स्टेज है वो, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा और मैं कंबाइंड है ना, मेरे अंदर का सारा मैल जो है जैसे बाबा सोक कर रहा है, खत्म, क्लीन, बिल्कुल क्लियर, और हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है एक दूसरे में समाये हुए, ये सारे विश्व को लाइटमय दे रहा है, बस बस ये योग है, सिंपल सी बाबा से ऐसी रूरिहान करें, देहधारियों की नहीं करें रूरिहान, वो अलग से बैठ के करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाबा से पूछें, बाबा के कोई महावाक्य पढ़े, आंसर मिल जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम गलती कर रहे होते हैं ना, जिस वजह से हम अटक जाते हैं, वास्तव में गलती हमारी होती है, उनका तो काम ही है ऐसी करना, लेकिन हम कई बार अटक जाते हैं क्योंकि ज्ञान की कोई पॉइंट मिस कर रहे होते हैं, वो लिंक मिस कर रहे होते हैं कि हाउ आई शुड रिस्पॉन्ड, तो ये वो बात, और मैंने अनुभव किया कि योग में जब हम इस तरह से बाबा के साथ कुछ भी सेवाओं के प्रति भी बड़े सुंदर सुंदर विजुअलाइजेशंस करते हैं कि बाबा आप और मैं मिलकर ऐसे ऐसे सेवा करेंगे, तो बड़ी सफलता भी मिलती है उन सेवाओं में, और बाकी फिर निमित्त बन जाए, बस बिल्कुल निमित्त हल्के हो जाए, भारीपन ना लेकर आए, और वो भारीपन कई बार हमसे छूटता नहीं है, उसका आधार मैपन होता है, वो हम सब जानते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ, तीसरी बात जो बाबा हमें बड़ा न्यारा करते हैं इस दुनिया से वो है हमारी धारणाएं, नियम मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की, है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, कहते हैं ऐसा तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, जो आपके यहाँ ब्रह्म शादीशुदा होते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, परिवार के और लोगों के हाथों का खाना नहीं खाओ, अजीब सी धारणाएं हैं आपकी तो, लेकिन अगर कुछ अलग बनना है
है ना, नई दुनिया में जाना है तो उसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मासी का घर तो नहीं है, बहुत तरह की बातें सहन करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो सब इजी हो जाता है जब आपको ये निश्चय है किसने कहा है और मैं वो ही आत्मा हूँ, देवकुल की आत्मा हूँ, वही दोबारा से बन रही हूँ। और बनते समय जब ये मूर्ति तैयार हो रही है तो छेनी हथौड़ी ये सब तो होगा, दुनिया में मेरे जो आसपास है ना वो सब मेरे को खिस खिस के देखेंगे, अच्छे से बजा बजा कर देखेंगे, नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं तभी एक बहुत सुंदर मूर्ति निकल के आऊंगी, बन के आऊंगी। आप देखो कोई, अब हम उसमें जाते हैं जब दिवाली पर भी या किसी फेस्टिवल पे भी वो मूर्ति लेने जाते हैं बाजार से, तो मूर्ति में कईयों के नैन नक्श इतने सुंदर नहीं होते तो हम नहीं पसंद करते उसको, जिसके बिल्कुल स्माइलिंग चेहरा हो, नाक ठीक बनी हो, भौहें ठीक बनी हो, है ना, तो वो वाली मूर्ति हम लेते हैं। तो कैसे बनी होगी वो मूर्ति, पे ज्यादा काम तो हुआ होगा ना। तो मेरे ऊपर भी बाबा काम कर रहा है, बाबा की असिस्टेंट माया काम कर रही है, बाबा के जो सहयोगी पेपर देने वाले आसपास हैं सब मेरे साथ काम कर रहे हैं, फॉर मी ओनली, है ना, मेरे लिए तो कर रहे हैं ना। तो जब बाबा हमारा दृष्टिकोण चेंज करते हैं, और उसका आधार क्या होता है, जब हम ये धारणाओं पर चलते हैं, हमारी एक-एक धारणा से सेवा होती है, स्वयं की पहले होती है फिर सर्व की सेवा होती है। मैं आपको एक छोटा सा इस पर बताती हूँ, कई बार हमको लगता है कि परिवार में रहते हुए सबके साथ रहते हुए ये सब पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़ा तो इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन कह कौन रहा है, भगवान कह रहा है। अगर मुझे ये निश्चय है कि भगवान कह रहा है तो उसकी बात में जरा सा भी मिक्स करना कि बाबा आपको तो पता है ना मेरा परिवार ऐसा है, मुझे ऐसे तो करना ही पड़ेगा ना, बाबा को पता है आपका परिवार ऐसा है, बाबा को पता है आप कर सकते हो, तभी चुना है आपको, तभी चुना है आपको, उसको मालूम है आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो, क्यों नहीं उसने आपके उन रिश्तेदारों को चुना जो आपके विरोध में खड़े, आपको क्यों चुना, क्योंकि आप ही कर सकते हो। लेकिन करने में हम नंबर वार बन जाते हैं, हम अपनी एक्सप्लेनेशंस देने लग जाते हैं, थोड़ा बाबा उसमें कहते हैं सहन शक्ति, मूर्ति सुंदर तभी बनती है थोड़ा सहन करो, उनका रिजेक्शन भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन उनका रिजेक्शन आपको रिजेक्शन नहीं लगेगा, आपके अंदर दया आएगी, अगर आपको वहां से जो आप बाबा ने आपको दिया आपने उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया हुआ है, बाबा ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है। बाबा आप देखो ना हम कितने पतित हो गए थे, बाबा हमने जो हम हैं जैसे, बाबा कहते जो तुम हो जैसे हो मेरे ना, बाबा हमें एक्सेप्ट करते हैं तो हमें और किसी के एक्सेप्टेंस की इतनी चिंता क्यों है, वो तो विनाशी संबंध है, विनाशी देह है, आज है कल नहीं होंगे हमारे साथ, है ना। तो हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल से देखें कौन कह रहा है मुझे, और वो अगर मुझे कह रहा है एक वर्ड, मैं कई बार अपने आप से कहती हूँ, कई बार महावाक्य हम पढ़ते हैं फिर मैं अपने मन में रिपीट करती हूँ, भगवान वाच, ये भगवान ने कहा है मेरे प्रति, मैं अर्जुन हूँ, भगवान ने मेरे प्रति ये बात कही है, वो जानता है मैं नहीं जानती, इसलिए उसने कहा है तो मुझे ये करना। लकीली ये बात बड़ी पक्की थी शुरू से, ऑपोजिशंस बहुत आए, चाहे खान पीन को लेकर था और भी जो भी हमारी धारणाएं हैं, बहुत ऑपोजिशन आए, मतलब मैं कहूंगी कि कोई भी कसर नहीं छोड़े किसी ने भी, चाहे मैं और मेरे युगल साथ चलते थे, युगल तो किसी के आगे कुछ कहते नहीं थे, मुझे ही सब डांट लगाते थे, तूने ही पता नहीं क्या कर दिया है, तो हर तरह से चाहे मायके में ससुराल में बहुत ऑपोजिशन होता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या बाबा की शक्ति थी, क्या कल पहले वाला पार्ट था या क्या था, मैं जो शुरू से बहुत डरती थी अज्ञान काल में, हर हमेशा एक जैसे व्हाइट कॉलर, मेरे ऊपर कोई नाम नहीं आना चाहिए, हर किसी को प्लीज करके चलना, खुश करके चलना, संतुष्ट करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो नेचर थी और वो नेचर आज भी है, लेकिन जो बाबा ने कहा ना कि नहीं ये श्रेष्ठ परिवर्तन तुमको करना है, और जब ये समझ में आ गया ना ये भगवान कह रहा है, उससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो जिन जिन आत्माओं से मैं डर के उनको प्लीज करती थी, मेरा डर अंदर से खत्म हो गया कि मुझे किसी को भी संतुष्ट करने के लिए गलत रास्ता अब नहीं अपनाना है। गलत तो पहले नहीं करते थे लेकिन तब अज्ञान काल था, समझ ही नहीं थी गलत और सही की, लेकिन जब समझ में आ गई कि पवित्रता मेरा स्वधर्म है तो बस अब चाहे सारी दुनिया अलग हो जाए, मैं कभी किसी को अपने अपोज में जाने नहीं देती थी, मैं मना लेती थी सबको किसी भी तरह,
लेकिन जब ज्ञान में आए तो जैसे कहते हैं ना, परवा थी एक उसकी, पा लिया उसको, अब किसी की परवाह नहीं। एकदम से जैसे ऐसा चेंज आ गया, हमने रिस्पेक्ट सबको करी, लेकिन अगर किसी ने हमारी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, हमने रिस्पेक्ट करी कि मेरी मर्यादा है, मुझे नहीं छोड़ना है इसको। सामने वाला नहीं समझ रहा, कई बार तकलीफ भी होती थी शुरू में कि वो कितना दुखी हो रहा है हमारे लिए, फिर समझ में आता था। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। हम किसी रिलेटिव के गए तो वहां पर बच्ची थी, उसने कुछ बनाया और नहीं आपको ये खाना ही है, खाना ही है। तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि वो बच्ची ने बनाई, ऐसे तो बच्ची नहीं थी, 17-18 साल की। तो उसने कहा मैंने बनाया, आप ये आपको खाना ही होगा, तो सब फोर्स करने लग गए। तो मैंने, मेरा मन में आया एक बार, फिर मैंने कहा नहीं, बाबा की श्रीमत नहीं है, नहीं खाऊंगी मैं। लेकिन मुझे अंदर से फील ये हो रहा था कि इसका मन दुखी हो रहा है। तो मैं वहां से बाहर निकली ना, तो मैं थोड़ी सी जैसे मेरा वो डाउन था कि मैंने दुख दिया उसको। तो मैंने आकर अपने मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ में, तो मैंने युगल को कहा, मैं कहा ना अच्छा नहीं लगा, अब लिया भी नहीं जा सकता, श्रीमत नहीं है, और मुझे बुरा लगा कि उस बच्ची को कि आपने मेरे हाथ का बना नहीं खाया। तो मेरे युगल ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते तुम वहां क्या करने गई थी, हम ब्राह्मण सदा सेवा पर है, चाहे हम किसी से मिलने गए हैं, रिश्तेदार के गए, कहीं भी गए, सेवा पर है। और सेवा क्या करनी थी, अपनी वाइब्रेशन से उनको चेंज करना था, उनकी वाइब्रेशंस खुद लेकर नहीं आनी थी। तो अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया ना, और मैंने जैसे ही ये बात सुनी, मैं एकदम से हल्की हो गई और मेरा अटेंशन गया कि हाँ, उनको जो फीलिंग हो रही है मैं उसमें को अपने अंदर भर के ले आई, और मैं गलत सोच के ट्रैक में चली गई। जबकि मुझे क्या रहना था, अपने स्वमान में रहना था, अपने स्वमान में रहकर मुझे वहां की वाइब्रेशंस चेंज करनी थी, अपने स्वमान में रहकर मुझे डिग्निटी से कहना था कि नहीं ये मेरा डिसिप्लिन है। और अपने डिसिप्लिन को बताते हुए, मतलब मैंने ये तो बताया था लेकिन अंदर कहीं फीलिंग हो रही थी, तो मैंने कहा वो एनर्जी नहीं थी ना उस तरह की। मैंने अपने को करेक्ट किया कि भगवान उवाच है कि आपकी वाइब्रेशन दूसरे पर असर करें ना, तो हमें पहले बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके लिए। हमें उस पर निश्चय होना चाहिए भगवान हमें देवता बना रहा है, क्या सामने वाला मुझे देवता बनाएगा, वो बना सकता है, उसको तो मालूम ही नहीं कैसे देवता बनते हैं, क्या होता है, देवता की डिग्रीज क्या है, उसको मालूम नहीं तो गिराएगा ना, वो जहां पर है वो गिराएगा, लेकिन मुझे बाबा क्या बना रहे हैं। और कई बार आपको मैं बताऊं, सिचुएशंस आती हैं, बट समहाउ हमारे सामने सिचुएशंस आई लेकिन हम हिले नहीं कभी भी उस चीज में। मैं अब कोलंबो का ही एग्जाम्पल आपको एक और बार बताती हूँ कि वहां पर हमें 10 दिन के लिए जाना था, ज्ञान में हम 7-8 महीने ही हुए थे, और लेकिन बाबा के बनते ही धारणाएं सब पक्की कर ली थी। तो वहां पर उन्होंने हमारे लिए होटल बुक किया कि, और फोन करके कहा कि आपके लिए हमने होटल बुक किया, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हम चुप रहे, हमने कहा हमें खाना ही नहीं है, तो कितना भी अच्छे खाने की बात कर ले, हमने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा थोड़े दिन बाद उसने कहा हमने आपके लिए जो होटल बुक किया है ना, बहुत स्पेशल होटल बुक किया है, और स्पेशली इसलिए किया है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने कहा, उनको बोल ही दिया, हमने कहा ना बाहर का खाना नहीं खाते, अगर आपने स्पेशली इस चीज के लिए बुक किया है तो हम वहाँ का कुछ नहीं खाएंगे। कहते क्यों, आप जैनी हो? हमने कहा नहीं जैनी तो नहीं है, लेकिन हमारी अपने कुछ डिसिप्लिन है लाइफ के, तो हम नहीं खाते। वो तो अपसेट ही हो गए, कहते अब 10 दिन बिना खाए कैसे रहोगे। अच्छा, हमने सोचा भी नहीं हम कैसे रहेंगे, हमने तो बस बाबा ने कहा है बाहर का नहीं खाना, फल पे रह लेंगे, कोई बात नहीं, 10 दिन फ्रूट्स खा लेंगे, शरीर भी और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल जो रोज खाना खाते हो 10 दिन फ्रूट्स पे रहे, बट हमने इतना सोचा नहीं। अब उन्होंने क्या किया हमारे लिए, फिर अपार्टमेंट बुक किया। जी अच्छा जी, आपको क्या क्या चाहिए, किचन में आप खुद ही बनाएंगे, हमें तो समझ नहीं आ रहा आप कैसे करेंगे। हमने कहा हम कर लेंगे, गुड, आप अगर अपार्टमेंट दे सकते हैं तो वो भी हो गया, चले। अब 4-5 दिन हो गए वहां पर, हमें 10 डेज का ट्रिप था, हम सुबह 7 बजे निकलते थे, शाम को 7 बजे वो हमें ड्रॉप करते थे। उससे पहले मैं सुबह वहां पे कुकिंग करके अपने जो भी पराठे नाश्ता जो भी पैक करना होता था करके अपने बॉक्स में लेकर जाती थी, हम वही खाते थे दिन में, और रात को आके फिर बनाते थे। उन्हें बड़ी हैरानी होती थी, इतना हार्ड वर्क तो ये बाहर कर रहे हैं, फिर सुबह शाम भी खाना बनाते, ऐसा क्या है इनका नियम। तो उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि देखिए हमें नहीं अच्छा लगता आप ये इतना सब कर रहे हैं, आप जैसा कहेंगे हम उस तरह का खाना आपको देंगे, लेकिन आप क्या थोड़े दिन के लिए ये अपना नियम छोड़ नहीं सकते। तो वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मोस्टली उसमें अराउंड 60% लोग जो थे वो मुस्लिम्स थे, जहाँ हम वर्कशॉप्स के लिए जाते थे, चाहे हम स्कूल्स में जाते थे, कॉर्पोरेट्स में भी गए, हम सीए स्टूडेंट्स के लिए भी किया। तो वहां पर क्या सिस्टम होता था कि 9 से 5 वर्कशॉप है, तो 2 टाइम नमाज के लिए ब्रेक होता था,
काफी सारे स्टूडेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी के थे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, तो हम उसको ट्रैफिक कंट्रोल समझ के हम भी योग कर लिया करते थे। तो लेकिन उन्होंने जब मेरे से ये कहा कि आप 10 दिन के लिए अपना नियम नहीं छोड़ सकते, तो मैंने उनसे, पता नहीं बाबा की टचिंग ही थी या ये कहें कि अपनी धारणाओं पर निश्चय भी था कि जो हम कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि अच्छा आप मुझे बताइए कि आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं दिन में, अगर 2 टाइम मिस कर दें तो क्या खास बात है, बाकी 3 टाइम कर लीजिए ना, ये वर्कशॉप के बीच में आप नमाज पढ़ते हैं तो जरूरी है क्या? बोले नहीं 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 वो तो हमारा 1 टाइम भी मिस नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आपका 1 टाइम नमाज नहीं मिस हो सकता, मैं 10 दिन के लिए अपना नियम मर्यादा छोड़ दूं, हाउ कैन आई डू दैट? तो बस एकदम से ऐसे चुप हो गए, और देन दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग इन अ डिफरेंट वे कि वॉट एवर दे आर फॉलोइंग। फिर हमारे साथ वो कोलंबो के सेंटर पे भी गए, है ना, तो सेवा होती है हमारी इससे, जब वो देखते हैं कि इतनी डिसिप्लिन लाइफ है। अभी 2 दिन पहले ही मैं एक स्कूल में गई, तो वहां प्रिंसिपल से बात हो रही थी, तो टीचर ने बताया मैम हमने इतना नाश्ता बनवाया, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ये अपना कुछ लेकर आए थे स्प्राउट्स वो ही खाए और कुछ नहीं खाया। तो मैम ने मेरे से पूछा आपने कोई नाम ले रखा है क्या? मैंने कहा नहीं नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन ये मेरा डिसिप्लिन है, और मैंने थॉट्स के ऊपर थोड़ा उनको बताया। तो अपने आप ही अब तो शिवानी दीदी इतना बताती हैं कि हर एक आत्मा को पता है, तो कहती हाँ शिवानी दीदी ये सब बातें बताती हैं, आई लिसन टू हर अ लॉट कि वाइब्रेशंस का कितना फर्क पड़ता है। तब तक मैंने नहीं कहा था मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाती हूँ, तो फिर मैंने कहा आई एम ऑल्सो फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। तो कहती है मैंने ना सुना था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज आपको देखा कि इससे ये फर्क आता है, तो सेवा हुई ना, है ना। ऑपोजिशन करने वाले बहुत होंगे, मजाक बनाने वाले बहुत होंगे, लेकिन बाबा ने जो जो हमें धारणा दी है वो स्वयं की सेवा के लिए भी, स्वयं के परिवर्तन के लिए भी है, और सर्व की सेवा के लिए भी। इसलिए बहुत जरूरी है हम बाबा की आज्ञा फरमान समझ के चलें कि ये हमारी सुंदर मूर्ति बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और किसी के भी प्रभाव में ना आए कि वो नाराज हो जाएगा, वो उन्होंने हमसे बोलना बंद कर दिया है, अच्छा ठीक है वो बोलना चालू कर देंगे तो क्या प्राप्ति हो जाएगी आपको, क्या प्राप्ति हो जाएगी? अल्पकाल की नहीं सोचे कब तक चुप रहेंगे। बहुतों ने हमसे कहा क्लोज रिलेशन में जो थे, आप हमारे यहाँ का नहीं खाएंगे हम भी आपके घर नहीं आएंगे, हम खाएंगे ही नहीं आपके घर का, मैं चुप रही। लेकिन हम जब वो आते थे इतने प्यार से खिलाते थे, 2 बार सुनाते भी थे आप तो खाते नहीं हो, मेरी कोई बात नहीं, उनको पहले से वाइब्रेशंस थे। और आज वही ऑपोजिशन करने वाले बड़े प्यार से खाते हैं और साथ में प्रसाद समझ के खाते हैं कि इनके हाथ का खाना है, अगर इन्होंने बनाया है ये तो प्रसाद है। अपने घर भी कभी लेके जाते हैं, स्पेशली लेकर जाते हैं, आप थोड़ा सा पैक भी कर देना और सबको प्रसाद की तरह बांटते हैं। लेकिन एक दिन में तो नहीं आया ना, ये सालों की मेहनत से, है ना, खुद की भी मूर्ति धीरे धीरे तैयार होती है और दूसरों पर भी उसका इम्प्रेशन होता है। आपको अभी का कुछ दिन पहले का एक अनुभव एक बहन का बताती हूँ, बाबा की बड़ी नई बच्ची है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, अभी ज्ञान लिया बाबा से, तो उसने भी नियम मर्यादाओं पे चलना शुरू किया। तो अभी अपने भांजे की भतीजे की शादी में गई अपने मायके, तो वहां पे रही 2-3 दिन, लेकिन अपने नियम मर्यादा पूरे रखे, अपने अलग बर्तन लेके गई थी और उसके अंदर खाना बनाती थी। पहले ही कह दिया था देखो भाई मैं तभी आऊंगी कि भाई मुझे ये थोड़ा आप अलाउ करो, तो क्योंकि मैंने अब अपना कुछ डिसिप्लिन बनाया। तो अब भाई बहन तो चाहिए थी शादी में, बोले अच्छा भैया जो तुम्हें करना करो, 2 बार टोकते भी थे सुनाते भी थे, तो वहां पे जो पंडित जी थे उनको पता लगा ये ब्रह्मा कुमारीज में जाने लग गई है, तो उन्होंने पास में बुलाया, कहते देखो मैं तुम्हें बहुत तुम्हारा शुभ चिंतक बन के बात बता रहा हूँ, मैंने बहुतों को देखा है आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको पता है वो बहन भाई बना देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और वो ना दुनिया से अलग ही कर देते हैं बिल्कुल, आप तो भी यंग एज में हो, आपके बच्चे छोटे हैं, आपको बड़ी जिम्मेवारियां करनी है। वो बहन बड़े प्यार से सुनती रही, फिर कहती है पंडित जी मेरे को इतना टाइम हुआ और भगवान ने तो एक दिन भी किसी दिन नहीं कहा कि अपनी किसी जिम्मेवारी को छोड़ो, मैं बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारी और ही अच्छे से करती हूँ। फिर उन्होंने क्यों भोजन अलग बनाते हैं वो सब बताया। तो फिर पंडित जी लास्ट में क्या कहते हैं, 1 घंटे उनकी बातचीत चली, फिर पंडित जी लास्ट में कहते हैं आप अपना भोजन खुद बनाएंगी यहाँ पर? बोले हाँ जी। तो बोले अच्छा जो आप बनाएंगी ना मैं भी उसी में से खा लूंगा। उनको भी पता है कि घर गृहस्थ में किस तरीके से बनता है, इतने लोगों का जब बन रहा है और ये अगर भगवान की याद में रह के बना रही है तो इसके हाथ का बना हुआ भोजन कितना डिफरेंट होगा। अब देखो मतलब ठोकते बजाते हैं
लेकिन आज प्रत्यक्षता का टाइम आ चुका है, इसलिए हम अपने आप में प्राइड फील करें, हम अपने सम्मान में रहें, हम किसके बच्चे हैं, हम सिलेक्टेड बच्चे हैं, भगवान द्वारा सिलेक्टेड है, और इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड, ठीक है? सिलेक्टेड कहाँ से? भगवान ने सिलेक्ट किया है। और इलेक्टेड, इलेक्शन कहाँ पे होगा? यहां पर होगा। जितना न्यारे बनेंगे उतना प्यारे बनेंगे, सर्व के भी बाप के भी, क्योंकि वो खुद इतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते, तो जब हमें देखेंगे कि ये तो एग्जाम्पल है, अंदर से रिस्पेक्ट आएगी उनके मन में। और हमें तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, औरों को रिस्पेक्ट करते हैं, बस रिस्पेक्ट देना ही रिस्पेक्ट लेना है। तो ये न्यारापन जो बाबा सिखाते, सेवा भी बाबा कहते हैं, वो कंबल बांटना, मंदिरों के आगे खाना खिलाना, वो तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम जो अपने एक स्थान पर बैठकर सारे विश्व की सेवा करते हैं, अपने वचन से भी सेवा करते हैं, हर एक के अंदर विशेषताओं को देखकर उनके उमंग उत्साह को बढ़ाते हैं, ये जो सेवा है, किसी को अपनी दृष्टि से, अपने बोल से 2 पल की शांति दे देना, ये जो सेवा है, ये बड़ी अलग सेवा है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अलौकिकता बाबा में सिखाते। तो चारों ही हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसको यथार्थ रीति से जब हम करते हैं तो अलौकिक बन जाते हैं। और ऐसे अलौकिक फरिश्ते बनते हैं कि आत्माओं, जो और मनुष्य आत्मा है, वो हमारे प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि लास्ट का हमारा एंजेलिक फॉर्म जो है, वरदानी फॉर्म है, जो उन कमजोर आत्माओं को भी शक्ति देगा, भले वो बाबा के ज्ञान में ना भी चले, या जो चल भी रहे हैं उनमें भी शक्ति नहीं होगी, लेकिन हम अपने सहयोग से, अपनी संपन्नता से उनको दे पाएंगे। तो ये है डिफरेंट होना। और इसके साथ साथ एक और बात है, डिटैच्ड, तब हम बाबा के डियर बन सकेंगे। इन 3 Bs को याद रखिएगा, ये है कमल पुष्प न्यारा प्यारा जीवन। वन इज डिफरेंट, ज्ञान डिफरेंट, योग डिफरेंट, धारणाएं डिफरेंट, सेवा डिफरेंट, जिससे हम बिल्कुल अलग बन जाते हैं, परिवार से अलग नहीं, लेकिन साथ में रहते हुए कैसे हम बिल्कुल डिफरेंट हैं। अशांति के माहौल में हम कितने शांति वाले, जहां चारों तरफ लोग दुख दे रहे हैं एक दूसरे को, हम तब भी सुख दे रहे हैं, हम ऐसे डिफरेंट हैं। एंड दूसरी स्थिति है डिटैच्ड। तो बाबा इसमें बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भी देते हैं, नाव और नदी का। अब देखो, नदी में नाव चलती है, एक पार से, एक किनारे से दूसरे किनारे नाव में बैठकर जाते हैं, दोनों का साथ होता है कुछ देर का, फिर वापस नाव वाला नाव को ले जाता है, फिर मुसाफिरों को चढ़ाने के लिए, और नदी आगे बह जाती है। तो कितना थोड़े समय का उनका कांटेक्ट होता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। नदी के बिना नाव कैसे तैरेगी, है ना, और नाव के बिना नदी पे कैसे जाएंगे? तो दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते, अटैचमेंट वाला प्यार नहीं होता। अगर मान लीजिए नदी को नाव से प्यार हो जाए, तो क्या करेगी? भंवर में ले जाएगी गई नाव। और नाव को नदी से प्यार हो जाए, तो वो अपने अंदर नदी को ले आएगी और फिर डूब जाएगी, राइट? ऐसे ही हमको भी सबके साथ रहते हुए, एक दूसरे का सहयोग लेते हुए, देते हुए, कर्म अर्थ सेवा अर्थ कनेक्शन में रहना है। चाहे मेरे वो देह के क्लोज के संबंध हैं जिनके मैं निमित्त आत्मा हूं, इस संबंध से मुझे डिटैच रहना है, इस आधार से मुझे डिटैच रहना है। बाबा ने कहा, अब आप सिर्फ सेवा अर्थ हो वहां पर, और कोई संबंध नहीं है। वो भी बाप का बच्चा है, आप भी बाबा के बच्चे हो। आप बाबा से, यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास विधि है, बाबा से शक्तियां लो, और बाबा का जो ज्ञान है उस आधार से आपको उनकी सेवा करनी है, और कोई संबंध नहीं हमारा। आत्मा आत्मा भाई भाई है, इतना डिटैच रहो तो उन संबंधों से मिलने वाले जो दुख है ना, वो हमें दुखी नहीं करेंगे, हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, और ही हमसे उनको सुख मिलेगा। और जब उनको हमसे सुख मिलेगा, तो उनके मन में हमारे प्रति भी दुआएं आएंगी, हमारे रिश्ते और स्ट्रांग होंगे। तो बाबा रिश्ते ऐसा नहीं अलग कर देता है, और ही हमें, विश्व हमारा, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, उसमें बांधता है, इतने सुंदर बंधन में बांधता है, और अनेक कर्म बंधनों को कट करता है। तो इसके लिए बाबा जो हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं, मेरा कुछ नहीं, ये बच्चा भी बाबा आपका है, ये घर भी बाबा आपका है, ये पोजीशन भी बाबा आपकी है, मैं निमित्त हूं हर चीज में। तो जितना हम डिटैच्ड अवस्था में रहेंगे, साक्षी और साथी अवस्था में रहेंगे,
उतना हम अप्रभावित रहेंगे और बाबा से अटैच रहेंगे, और जितना बाबा से अटैच रहेंगे तो बाबा के डियर बनते जाएंगे, डियर एंड नियर बनते जाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे। तो ये कुछ अनुभव की लेन देन है कि हम जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा की मदद मिलती है। बाबा ने मुरली में कहा ना आज भी कि प्रतिज्ञा जो बच्चे करते हैं बाप से, जो बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करते हैं उन्हें बाप की मदद मिलती है ना। बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा मैं कोई, तो मदद मिलती है। और आपको मैं इस पे एक और लास्ट उदाहरण बताऊंगी। पिछले साल कोविड के टाइम जो मतलब हमने अपने को बचाने की तो बहुत कोशिश करी, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, लेकिन ड्रामा में था, कोविड कैच कर लिया हमने भी। तो मेरी और बेटी की तबीयत तो ठीक हो गई, फिर भी ठीक हो गई, लेकिन हस्बैंड की डे बाय डे बिगड़ती चली गई। इतनी बिगड़ गई कि उनके घर में ऑक्सीजन 63 पर पहुंच गई सेकेंड वेव में, और इतना हो गया कि मतलब एक बार तो बिल्कुल होप खत्म हो गई थी जैसे। फिर भी मतलब मैं ये कहूंगी स्थिति नहीं हिली, ये लगा कि कुछ बाबा अनुभव कराना चाहते हैं, क्योंकि हम सेवा के फील्ड में है ना, बाबा को मुझे कुछ अनुभव कराना है जो मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। सच में स्थिति यही थी उनको हॉस्पिटल ले जाते हुए भी, कि बाबा अपने साथ का अनुभव मेरे को बहुत स्ट्रांगली कराना चाह रहे हैं। और हम उनको लेकर गए, जिस टाइम उनको तो हॉस्पिटल वाले अंदर ले गए, लकीली हमें जगह मिल गई एक अच्छे हॉस्पिटल में, और वहां पर उसी टाइम किसी की डेथ हुई थी, और उसके चार बच्चे थे माँ के, और चारों बच्चे दीवार से सिर पटक पटक के रो रहे थे, इतना बुरा हाल था उस टाइम हॉस्पिटल का। और मतलब वो स्थिति देखकर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि हमारे साथ कुछ मतलब, वहां उस टाइम ऐसा था हॉस्पिटल जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा, लेकिन मेरे मन में एक बार भी संकल्प नहीं आया। कुछ तो हम न्यूज से डिटैच थे, सेवाओं में इतने बिजी थे कि मुझे मालूम भी नहीं था बाहर क्या चल रहा है इतना, और इसलिए कुछ नेगेटिव आया भी नहीं। और मुझे समझ में आया, मैं बाबा से उस टाइम में चिट चैट कर रही थी कि अच्छा बाबा आपने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है कि मैं इन सबकी सेवा कर सकूं, कितने वंडरफुल हो आप। सच में मेरी स्थिति ऐसी थी कि इन सबको मुझे साकाश देना है, अगर कोई ब्राह्मण आत्मा आएगी नहीं तो इनको साकाश कैसे देगी, पास से साकाश कैसे देगी, हम ऊपर से तो देते ही रहे हैं, तो इन सबकी सेवा मुझे करनी है। और मैं वहां पर रात तक बैठी रही वो अपने वार्ड में, हालांकि कुछ यूएल की तरफ से भी आया कि यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, कि उस टाइम प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी। तो मैंने कहा देखो आपको कुछ नहीं होना, वहां पर आप वार्ड के अंदर सेवा करो, मैं वार्ड के बाहर सेवा कर रही हूँ, हम दोनों आए इसलिए, फिर जल्दी से जब ठीक हो जाएगा वापस चलेंगे घर। लेकिन सिचुएशन बिगड़ती चली गई, इतनी बिगड़ गई, ऑक्सीजन हाईएस्ट लेवल पे उनकी चली गई, वेंटिलेटर पर तक भी डालने की बात हुई। जो भी हुआ चलो सिचुएशन से तो हम निकले, लेकिन उससे पहले की बात जो कह रही हूँ, जिस दिन हम पहुंचे, हम क्यों अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते हम अपने को सेफ क्यों रख रहे थे? कोरोना से इतना डर नहीं था, एक ही डर था अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हमारी नियम मर्यादाओं का क्या होगा। हमने सालों से कभी अपनी एक नियम मर्यादा नहीं छोड़ी बाहर खान पान की, कि खुद ही बना के खाते हैं, और अगर हॉस्पिटल गए तो वहां तो आइसोलेट कर देंगे, ये सुनते ही थे हम उस टाइम। तो बहुत डर था इस बात का कि अगर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, इस चक्कर में हम 10 दिन तक घर में ही सफर करते रहे, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, वो तो जब सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हमें जाना ही पड़ा। तो हम जब ये आया, मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इनके लिए खाना कब लेकर आऊं, कहते हैं जी हॉस्पिटल से ही मिलेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो खाएंगे नहीं, कहते जी कैसे नहीं खाएंगे, खाना तो इन्हें यहीं का पड़ेगा, यू आर नॉट अलाउड, आप तो नहीं आएंगी, अब आप घर पे रहिए, ये हमारे साथ है। मैंने भी बड़े फॉर्मली कहा, मैंने कहा डॉक्टर ये तो हो नहीं सकता, खाना तो ये घर का ही खाएंगे। तो मैंने कोशिश भी करी थोड़ा उन्हें समझाने की, नहीं समझे। उससे पहले सब मुझे कह रहे थे बाबा से लड़, बाबा को बोल, बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, अधिकार जमा बाबा के ऊपर, तो जिससे हाँ शक्ति मिले, बाबा कुछ करे। इनका बाबा तो कर ही रहा है, जिस समय हॉस्पिटल किसी को नहीं मिल रहा, मुझे हॉस्पिटल मिल गया, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, कर तो रहा है और क्या करेगा, बाबा तो कर ही रहेगी। तो हमारे कर्मों के खाते जो हमारे सामने आए, इसमें लड़ने की क्या बात है, बाबा जितनी मदद कर रहा है उतना तो मैं सोच ही नहीं सकती कोई मदद कर सकता है। लेकिन जब खान पीन की बात आई तो मैं बाबा के सामने बैठी, मैंने कहा बाबा आपके उस बच्चे ने कभी बाजार का बिस्किट, बाजार की आइसक्रीम, बाजार की ब्रेड कभी कुछ नहीं खाया, अगर आज उसे हॉस्पिटल का खाना पड़ा तो ये उसकी गलती नहीं है, उसके खाते में नहीं जाएगा ये, अब आप जानो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उसने आप पे निश्चय करके सब कुछ किया, कभी भी अपनी लूज नहीं करी मर्यादा। तो मैंने कहा आप चलो, मैं निर्संकल्प हूं, मैं एक भी संकल्प नहीं करूंगी कि वो हॉस्पिटल का खा रहे। एंड यू वोंट बिलीव, उसी टाइम हॉस्पिटल से फोन आ गया, आप इनका खाना ला सकते हैं। और उस आत्मा ने भी इतना स्ट्रगल किया, रात को हम गए शाम को 7 बजे, अगले दिन 11 बजे तक कुछ नहीं खाया, दवाइयां नहीं दी जा रही थी, डॉक्टर ने कहा आपको खाना पड़ेगा, बोले मैं यहाँ तो नहीं खाऊंगा, मैं घर का खाऊंगा। और मतलब सक्सेसफुल हुए, खाना गया, पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ मैं ही थी जो 3 टाइम खाना लेके वहां पर जाती थी। और शक्ति भी दी बाबा ने, क्योंकि मेरे को खुद कोरोना था, मैं खुद भी हालत मेरी उससे पहले तो बिस्तर से उठने की नहीं थी, लेकिन कैसे बाबा ने, मतलब एक एक अनुभव अगर मैं बताऊं, चाहे वो उनको वेंटिलेटर पे भी ले जाने की बात थी, तो भी मैं बाबा को यही कहा, इनका अगर बाबा अच्छा ये टाइम आ गया है, डॉक्टर ने भी कहा आप मतलब समझती है उसका, मैं कुछ नहीं बोली, मतलब ठीक है जो भी हो रहा है। मैंने बाबा को कहा, मैं कहा बाबा बस फेल नहीं होने चाहिए आपके बच्चे, वो भी ना फेल हो, मैं भी ना फेल, बस पास होने चाहिए, बाकी तो आपको जहां ले जाना है, जहां उनका रोल है ठीक है, जो मेरा रोल है हम अपना रोल अच्छे से प्ले कर सके आपकी श्रीमत के अनुसार, बस ये शक्ति मुझे चाहिए। तो मैंने देखा कि बाबा मदद करते हैं, बात इसकी नहीं है, बहुत से ब्राह्मण शरीर छोड़ के भी चले गए, उनका पार्ट था, इनका अभी पार्ट था आगे और सेवा करने का, इधर सेवा करने का, वो आगे सेवा करने गए, जो भी था पार्ट तो सबका अपना अपना है, लेकिन बात यह है कि हमारी स्थिति काफी स्टेबल रहती है, बाबा की मदद का हम हर पल अनुभव करते हैं जब हम बाबा को साथ लेकर चलते हैं और बाबा की बताई हुई शिक्षाओं पर चलते हैं, क्योंकि सिचुएशंस यही चेक करने के लिए आती है, अब हिलेंगे, अब टूटेंगे, अब ये तो जरूर छोड़ देंगे बाबा के श्रीमत ना? लेकिन बाबा की मदद ऐसी मिलती है जो हमें और पक्का कर देती है, ये सिचुएशंस हमें और पक्का करने के लिए आती है। तो इसलिए कोई भी ऑपोजिशन में हो या कोई ऐसी बात हो, युक्ति से काम ले, पहले तो युक्ति, युक्तियां इतनी सारी बाबा ने बताई है, प्यार से सहयोग दे उनको, एक्स्ट्रा सहयोग दे, फिर भी अगर कुछ होता है तो थोड़ी सहन शक्ति को बढ़ाए, समझ लें कि हाँ इस टाइम थोड़ा सा मेरे नैन नक्श जो है ना बाबा बड़ी बारीकी से हाँ उसको सुंदर बना रहे, तो बड़े आपको बाबा की प्यार की अनुभूति होती रहेगी और इस ब्राह्मण जीवन में नए नए हमको अनुभव होंगे। तो ज्ञान की पॉइंट को ले ली, एक ले लें उसको, अमर भव का वरदान बाबा से ले लें, सफलता का तिलक सुबह सुबह लगवा ले और रात को बाबा को अपना अनुभव सुनाए, आज बाबा आपके पॉइंट को मैंने यहाँ यहाँ यूज किया, अब ये मेरा पॉइंट बन गया। मैं तो कई बार बाबा को ऐसे ही बात करती हूँ, बड़े हक से चिट चैट करती हूँ, सुबह देखो आपने दिया था मुझे, अब ये पॉइंट मेरा बन गया, अब मैं क्लास में सुनाऊंगी या किसी को सुनाऊंगी अपना पॉइंट बना के, क्योंकि मेरा अनुभव बन गया ना। तो बाबा कई बार कहते हैं कि अपना बना लो उसको, ज्ञान को अपना बना लो, तो वो मेरा जब अनुभव बन गया तो वो अनुभव की अथॉरिटी आ गई। तो ऐसे मीठे बाबा, प्यारे बाबा को कितना प्यार से याद करना है, और याद करना कुछ नहीं है, मैं जो समझती हूँ वो बाबा को बस साथ रखना है हर टाइम, अपनी स्थिति में, अपने कर्म में बाबा के साथ रू रिहान चलती रहे, तो हमारा कर्म भी अच्छा होता है, हमारा एक्सपीरियंस सुंदर होता है, एंड वी रिमेन अनअफेक्टेड। कमल समान बाबा हमें डिफरेंट बनाते हैं, साधारण नहीं असाधारण बनाते हैं। तो डिफरेंट कैसे बनाते हैं, नया ज्ञान, नई धारणाएं है ना, नए प्रकार की सेवा और नए तरह का योग, एक्यूरेट तरीके का योग हमें सिखाते हैं। तो हमें इन चारों बातों से, चारों सब्जेक्ट से हमको इस विश्व से जैसे न्यारा बना देते हैं, रहते हम यही हैं, लेकिन फिर भी हमारा बोलने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, हमारा सुनने का तरीका, हमारा रिस्पॉन्ड करने का तरीका, हर चीज हमारी जो है वो न्यारी हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये डिफरेंट, एंड देन डिटैच्ड, किसी भी चीज से के प्रभाव से परे हैं हम, सबसे प्रीत निभाते हैं, रिश्ता निभाते हैं, लेकिन सेवा अर्थ, कर्म के अर्थ, किसी बंधन में नहीं, तो वो बंधन मुक्त अवस्था हम यहाँ फील करते हैं ना, और उसका रिजल्ट क्या होता है, बाबा के डियर एंड नियर हो जाते हैं, प्यारे बन जाते हैं, जिसको न्यारे को इन दो शब्दों से एक्सप्लेन किया, डिफरेंट एंड डिटैच, और प्यारा डियर एंड नियर बाबा के। सबसे सुंदर बात मुझे लगती है भक्ति मार्ग में, मैं रामायण बहुत पढ़ती थी, देवी माँ की पूजा करती थी, और भी भिन्न भिन्न जिसका जो दिन होता था वो हम करते थे, लेकिन रामायण की मेरी धारणा ऐसी थी, मैं चाहे रोज 5 छुपाई पढ़ू, मेरा रोज की लगी रहती थी,
और 9 दिन की रामायण तो मैंने बहुत ही पढ़ी, बचपन से बहुत किया, पता नहीं कितनी बार पाठ किया। लेकिन अपने आप से एक प्रश्न पूछती रहती थी कि दो चीजें, प्रश्न जो मैं पूछती थी वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो बाबा ने मुझे आंसर दिया। एक प्रश्न ये अपने आप से पूछती थी कि राम जिसने अपनी सौतेली माँ के कहने पर 1 सेकंड में राज्य भाग्य त्याग कर दिया ना, इतना त्याग मेरे अंदर आ रहा है, मैं बचपन से रामायण पढ़ रही हूँ। वो लक्ष्मण जिसको वनवास भी नहीं मिला था, लेकिन भाई से इतना प्यार, इतना सम्मान कि अब राजमहल छोड़ के चला गया। वो सीता, एक-एक कैरेक्टर को मैं, वो हनुमान ना जिसके दिल में भगवान ऐसे समाये हुए हैं कि कैसे उनकी याद की शक्ति से समुद्र भी लांग लिया। एक-एक कैरेक्टर को मैं जब देखती थी, क्या कौशल्या का कैरेक्टर है, क्या भरत का कैरेक्टर है, तो मैं सोचती थी मेरे अंदर तो ऐसे गुण नहीं आ रहे, इतने त्याग के, तपस्या के, मैं तो ऐसी मूर्ति नहीं बन पा रही, कब आएगा मेरे अंदर ये। तो जब मैं ज्ञान में आई तो बाबा ने जैसे जब ये बताया ना कि ये तुम ही हो, तुम्हारी ही कहानी है, और बाबा हमें देवता बना रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यही तो मैं सोचती थी, क्योंकि थे तो हम वही आत्मा ना, इसलिए मन में शायद ये आता था। पूछती नहीं थी मैं किसी से, अपने आप से ही पूछती थी, मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा है, रामायण कब से पढ़ रही हूँ। तो बाबा ने असली रामायण का सार बताया और जीवन में फिर वो परिवर्तन आया कि हाँ, वो राम सीता कौन है एक्चुअल में कैरेक्टर्स। दूसरा मुझे प्रश्न आता था कि मैं व्रत बहुत रखती थी, तो व्रत में जब कोई भी, चाहे सोमवार की कथा पढ़ो, एकादशी की कथा पढ़ो, उसके अंदर आता है कि आज के दिन ये खाना है, इस चीज का त्याग करना है, ऐसी ऐसी बातें आती थी। तो मैं, और फिर आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं सोचती थी वैकुंठ का एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं मालूम था, बस यही मालूम था बहुत अच्छी जगह होती है, वही मोक्ष होता है, वही प्राप्ति होती है। मतलब वैकुंठ में जाना इतना इजी है, मावे की बर्फी खाओ, अनाज का त्याग करो, चावल इस दिन मत खाओ, ऐसे करो, तो फिर तो बहुत सारे लोग वैकुंठ में चले जाएंगे। तो इसमें ऐसा क्या है जो कि कुछ अलग तो हो ना, कुछ तो डिफरेंट करें। इतनी लाख बत्ती मंदिर में चासने से ये हो जाएगा, इतने जन्म सुधर जाएंगे, कई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो कई बार ये भी आता था मैं उतना नहीं कर रही, और कई बार ये भी लगता था इतने टाइम से कर रही हूँ, मतलब कितने वैकुंठ की प्राप्ति होगी मुझे। कैलकुलेट करती थी ये सोच के अपने मन में। तो बाबा का बनने के बाद मुझे सबसे पहले यही समझ में आया व्रत कौन सा लेना है ना, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे अब ये विकारों का व्रत ले लेना। तो सच में इतनी पावरफुल बात लगी ना, मैं कह ये होता है व्रत, तो आज तक मैं क्या व्रत रखती थी। तो एकदम से ना, जैसे बुद्धि से वो सारे व्रत बुद्धि से निकल गए, सारी भक्ति 1 सेकंड में निकल गई कि भक्ति का सार क्या है वो भगवान ने सिखाया, व्रत क्या है, नियम क्या है वो भगवान ने सिखाया, जिससे सचमुच में मैं देवता बनूंगी। तो वो प्रैक्टिकल में समझ में आया। और ये व्रत हम भक्ति मार्ग में भी क्यों रखते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी कर्मेंद्रियों को जीतने की कोशिश करते थे, है ना। तो हमको ज्ञान मार्ग में भी व्रत रखना चाहिए, लेकिन किस प्रकार का व्रत रखना चाहिए, मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल अनुभव सुनाती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है जिसको बाबा कई बार कहते हैं, अपने लिए कुछ शेड्यूलिंग करो, अपने लिए कुछ नियम बनाओ। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में भी आया था कि व्रत रखो, मुझे नहीं मालूम अव्यक्त मुरली में आया था या साकार मुरली में आया था, लेकिन आया था कि व्रत रखो। जैसे फिर मैंने अपने लिए रखा, अच्छा मुझे 108 दिन का व्रत रखना है, किसी एक पर्टिकुलर सामान के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर कमजोरी का व्रत रखना है कि ये कमजोरी मेरे पास नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे मेरे को बैक पेन बहुत रहता था, तो योग में बैठने में मुझे दिक्कत होती थी और मैं थोड़ा हिलती रहती थी योग में, और चाहे स्थिति अच्छी होती थी लेकिन शरीर खींचता था। तो मैंने अपने आप को एक ही सामान दिया, प्रकृति जीत आत्मा हूं मैं, इस प्रकृति के ऊपर जीत पानी, और मुझे बिना सहारे बैठना है, कोई सोफा नहीं, कुछ नहीं, जमीन पर बैठूंगी मैं अमृत वेला, और बिना हिले मैं योग करूंगी। मैंने 108 दिन का व्रत लिया, कुछ भी हो जाए। तो ये व्रत लेने से मैंने देखा, मैंने अपनी कर्मेंद्रियों पर काफी हद तक, मतलब मेरे को फर्क लगा कि हाँ अब ये कंट्रोल में है। जैसे ना कि हम कहेंगे तो बच्चा ऐसा ही है, चंचल ही है, तो चंचल छोड़ दिया ना हमने, थोड़ा तो नियम संयम में उसे बांध देंगे, नहीं बेटा खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पर ही खाना है, घूम घूम के नहीं खाना, हम सोचते हैं बस खाना खिलाना ही काम है। तो ऐसे ही कई बार हम आई ज्ञान में भी ये स्थिति होती है, तो इसके लिए भी अपने लिए थोड़ा सा अपने को बांधना जरूरी होता है, व्रतों में बांधना। नहीं जी, फॉर एग्जाम्पल कल से हमारे सेंटर पे शुरू हुआ है, हालांकि मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मेरी सेवाएं बाहर जाने की बहुत है दिसंबर के महीने में, तो रेस शुरू हुई है कि 6:30 बजे से 1 मिनट भी ऊपर हो जाएगा तो आपका उस दिन एबसेंट लग जाएगा।
रेस शुरू हुई है। अब है तो वास्तव में ये भी व्रत लेने की बात ना, मुझे सेंटर पे 6:30 बजे पहुंचना है। ये कल से शुरू हुई है 1 दिसंबर से, आपके तो अभी 1 दिसंबर ही है, हमारी 2 आ चुकी है, तो 1 दिसंबर से शुरू हुई है और ये 26 जनवरी तक चलेगी। एक दिन की भी छुट्टी नहीं, एक दिन भी 1 मिनट भी लेट नहीं, वो विजयी होगा। तो ये अपने आप को जैसे इस तरह के व्रतों में भी बांधना बहुत अच्छी बात है। बाबा ने जो हमें नियम बताया ना, उससे हमारी दृढ़ता पक्की होती है, उससे हमारा स्वराज्य अपने ऊपर होता है। स्वराज्य से क्या होता है, एक मुरली बाबा ने फॉर्मूला पूरा बताया था मेरे को, उसको बहुत मुझे मजा आता है उसको चर्न करने में, वो फॉर्मूला बता के मैं पूरा करती हूँ। बाबा ने कहा था, जितना आपका स्वराज्य होगा अपने ऊपर, उतना कर्मेंद्रिय जीत होंगे, ठीक है ना? जैसे कर्मेंद्रियों पर आप जीत प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, जितना आप कर्मेंद्रिय जीत होते चले जाएंगे, उतना आप प्रकृति जीत और माया जीत बनेंगे। क्योंकि कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो इस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, उसका रिजल्ट क्या होगा, विकर्मा जीत बनते जाएंगे। क्योंकि कर्मेंद्रियों के मालिक बनते जाएंगे ना, तो विकर्म नहीं होंगे, माया जीत बन जाएंगे, तो माया आपसे विकर्म नहीं करा पाएगी, विकर्मा जीत बनते चले जाएंगे। और जितना विकर्मों से, क्योंकि प्रेजेंट हमारे जितने बंधन है वो हमारे किए हुए कर्मों के आधार से हैं, जितना आप विकर्मों पर जीत पाते चले जाएंगे, तो आप कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल आप कर्म डिटैच्ड अवस्था में करेंगे, जिसको कर्मातीत स्थिति कहते हैं। तो ये बाबा का जो प्रोसेस मैंने उस मुरली में समझा, बड़ा ही सुंदर लगा। इसके ऊपर मनन चिंतन में कई बार करती हूँ और कई सारे आंसर्स मिलते हैं इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट रूप से मुझे आंसर्स मिलते हैं। तो ये प्रोसीजर है कि क्यों बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे, कैसे स्वराज्य से कर्मातीत स्थिति पर हम जा सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। यही